तो स्टोरी वगैरह तो सिंपल था, बट जो जो हिसाब से इसको प्रेजेंट किया था, जो हिसाब से इसको दिखाया था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे था। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, क्या हाल, मैं रणधीर सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एक्ट ऑफ रणधीर। तो फाइनली इंतजार खत्म हुई, मैंने शाहरुख खान की नई मूवी जवान देख ली है, वो भी बॉलीवुड के एक आइकॉनिक थिएटर गेटी गैलेक्सी में, और मैंने मूवी देखा। और अगर इस मूवी को मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो फुल ऑन मास मसाला एंटरटेनिंग। और फाइनली शाहरुख खान एंड अटली कुमार ने मिलके एक मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी बना दी है, और बहुत ही दमदार मूवी थी। मेरे को एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला है मूवी देखने के बाद। मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये वाली जो मूवी है इसको आप थिएटर में देखो, क्योंकि इसका एक एक्सपीरियंस अलग है जो हम बता नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी वगैरह तो सिंपल था, बट जो जो हिसाब से इसको प्रेजेंट किया था, जो हिसाब से इसको दिखाया था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे था। ये सिर्फ और सिर्फ अटली कुमार ही कर सकते, बहुत तगड़ा डायरेक्शन था उनका, और विजय सेतुपति, नैन तारा, और सबसे बड़ी बात इस मूवी के लास्ट में हमें कैमियो देखने मिलता है संजय दत्त का। मतलब सीरियसली वो नायक नहीं खलनायक है, जब वो स्क्रीन पर आए आते ही मतलब तहलका मचा दिए थे, बहुत ही पावरफुल काम लगा मेरे को संजय दत्त का। और बाकी सब स्टार कास्ट भी बहुत अच्छे थे, नयनतारा का और शाहरुख खान का न्यू केमिस्ट्री था, बहुत ही पावरफुल केमिस्ट्री था, अच्छा लगा देख के। और दीपिका पादुकोण का भी स्पेशल अपीयरेंस था, तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे देखें थिएटर में। और अगर मैं म्यूज़िक वगैरह की बात करूँ तो म्यूज़िक नॉर्मल सा है, बट BGM जो इस मूवी का प्लस पॉइंट था वो था बैकग्राउंड स्कोर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तगड़ा था। तो प्लीज़ आप लोग आइए देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, डू एक्ट ऑफ रणधीर। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।